रेसलिंग के प्रशंसक आज भी स्कॉट स्टाइनर को नहीं भूले होंगे। उनकी WCW के समय की बदजुबानियां बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी। इतना ही नहीं, स्कॉट स्टाइनर ने अपने समय में काफी खतरनाक बॉडी तक बना ली थी। बेहतरीन और शानदार बॉडी के साथ साथ स्कॉट स्टाइनर अपने निडर स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। कहा जाता था कि वह रेसलिंग के रिंग में छोड़ो, रिंग के बाहर भी किसी से नहीं डरते थे। स्कॉट स्टाइनर WCW के समय के बहुत बड़े दिग्गज रहे हैं। कहा जाता है कि वह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लीडर भी थे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टीम अपने समय की बहुत ही ताकतवर टीम मानी जाती थी। इन सबके साथ ही साथ स्कॉट स्टाइनर ने JCP, WWE, इम्पैक्ट रेसलिंग और ECW में भी खूब नाम कमाया। कहा जाता है स्कॉट स्टाइनर ने इन सभी रेसलिंग कंपनियों में बहुत सारी चैंपियनशिप को अपने नाम कर डाला था। तो चलिए आज जानते हैं बिग पोपा पंप के कुछ ऐसे राज जिन्हें सुन के आप जरूर हिल जाएंगे, और साथ ही आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताएंगे जो आपको पुराने रेसलिंग दिनों की याद जरूर दिलाएगी। मगर आज का अंक शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल मिस्टीरियस बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही रोचक वीडियो के अपडेट भविष्य में भी पाने के लिए। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिस न कर सकें। तो आइए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और जानते हैं स्कॉट स्टाइनर के बारे में। स्कॉट स्टाइनर हमेशा से ही अपने खतरनाक कारनामों के लिए जाने जाते हैं। इसी वजह से उन्हें WWE इतिहास के खतरनाक रेसलरों की लिस्ट में भी शामिल किया जाता है। WWE इतिहास के खतरनाक रेसलरों की सीरीज में हम आपको पहले ही स्कॉट स्टाइनर के बारे में संक्षिप्त रूप में बता चुके हैं। आप लोग यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों कि स्टाइनर 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। पहली बार वह WCW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थे, दूसरी बार वह WWA वर्ल्ड चैंपियन बने थे और तीसरी बार वह WWC यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन बने थे। इन सब के साथ साथ वह 2 बार WCW यूनाइटेड स्टेट हैवीवेट चैंपियन भी थे और 2 बार WCW वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियन भी रहे। एक बार वह TNA वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन भी बन गए थे। स्कॉट स्टाइनर उन रेसलरों में से थे जो किसी से नहीं डरते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो स्कॉट स्टाइनर हमेशा ही अपने शॉर्ट टेम्पर के लिए जाने जाते थे। इस वजह से अन्य रेसलर उनके साथ मजाक करना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। WWE विद्वानों की माने तो मामूली कहासुनी और मामूली झगड़ों की वजह से ही बैक स्टेज में स्कॉट स्टाइनर प्रतिद्वंदी रेसलरों को कूद दिया करते थे। लड़ाई झगड़ों के मामले में उनके भाई रिग स्टेनर भी कम नहीं थे। स्टेनर ब्रदर्स को WWE इतिहास की सबसे प्रसिद्ध टैग टीम के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें सबसे खतरनाक टैग टीम के रूप में भी जाना जाता था। कहा जाता है एक बार तो एक प्रोमो के दौरान स्कॉट स्टाइनर ने एक प्रतिद्वंदी रेसलर का कान काट दिया था, जिस वजह से काफी बवाल हो गया था। इन्हीं कारणों से स्टेनर बंधुओं से कोई भी रेसलर लड़ने से पहले 100 बार जरूर सोचते थे। कहा जाता है कि एक बार स्कॉट स्टाइनर ने WCW में एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया था। कहा जाता है उन्होंने वहां स्क्रिप्ट से बाहर निकलने का काम कर दिया। स्कॉट स्टाइनर उस समय न्यू ब्लड दल का हिस्सा थे, जो उस समय हील ग्रुप के रूप में देखा जाता था। कहा जाता है जैसे ही स्कॉट स्टाइनर रिंग में आए, आते ही उन्होंने रिक फ्लेयर को अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। अक्सर रेसलर कई बार एक दूसरे के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन उस समय इस प्रोमो ने सभी लोगों को हैरान कर दिया था। उस समय स्टोरी लाइन भी कुछ ऐसी नहीं चल रही थी जिसमें रिक फ्लेयर के साथ उनकी दुश्मनी दिखाई जाए, जिस वजह से यह अनुमान लगाया गया कि उन्होंने जानबूझकर रिक फ्लेयर को उल्टा सीधा कहा था। रेसलिंग के विद्वानों के हिसाब से उनके रिक फ्लेयर के साथ संबंध खराब चल रहे थे। खैर, सच्चाई जो भी हो, पर उनकी इस हरकत की वजह से WCW वालों ने उन्हें उस समय सस्पेंड कर दिया था और उन पर $70,000 का जुर्माना भी लगाया गया था। यह जान के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों कि एक बार स्कॉट स्टाइनर रेसलिंग करने वाले रिंग में एक जिंदा टाइगर लेकर आ गए थे। उस समय उनकी इस हरकत को देखकर पब्लिक के भी होश उड़ गए थे। यह बहुत ही बहादुरी वाला काम था जो स्कॉट स्टाइनर एक जिंदा टाइगर लेकर रिंग में आ गए थे। आप यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों कि स्कॉट स्टाइनर ने भी मौत को हरा रखा है। कहा जाता है कि एक मैच के दौरान प्रतिद्वंदी रेसलर की एक जोरदार लात उनके गले में पड़ गई, जिस वजह से उनके गले की नसें फट गई। यह घटना साल 2007 में TNA हाउस शो के दौरान हुई थी। घटना के तुरंत बाद स्कॉट स्टाइनर कोमा में चले गए थे। कहा जाता है तुरंत उनको अस्पताल ले जाया गया। सब लोगों ने सोचा अब वह नहीं बचेंगे। खुद डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे, पर कुछ समय बाद ही स्कॉट स्टाइनर पूरी तरीके से ठीक हो गए थे और वह दोबारा रिंग में लौट आए। अपने समय में स्कॉट स्टाइनर ने काफी भीमकाय बॉडी तक बना ली थी। कहा जाता है कि वह बॉडी के मामले में HHH को भी फेल करते थे। जिम में खूब कसरत करने के बाद उन्होंने अपना बाइसेप्स इतना बड़ा कर लिया था कि लोग उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रहते थे। WWE के शानदार बॉडी बिल्डर्स की लिस्ट में उनका नाम हमेशा ही लिया जाता रहेगा।
यह जान के आप लोग हिल जाएंगे दोस्तों कि वह एक रियल रोड वॉरियर भी हैं। एक ऐसा भी दौर था जिस समय स्कॉट स्टाइनर की बॉडी देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबा दिया करते थे। हर तरफ उनकी ही चर्चा होती थी और लोग उनकी जैसी बॉडी बनाने के लिए खूब मोटिवेट होते थे। क्या आपको पता है दोस्तों कि स्कॉट स्टाइनर ने खुद WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल होने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि WWE हॉल ऑफ फेम एक जोक है। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, पर यह WWE के फैंस के लिए बुरी खबर है। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन को भी बुरा भला कहा था और यह भी कहा कि वह WWE में आप कभी नहीं आएंगे। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि एक बार हल्क होगन के साथ उनका कुछ बड़ा विवाद हो गया, जिस वजह से उन्होंने हल्क होगन को धमका दिया था कि वह उन्हें जान से मार डालेंगे। इस घटना का उजागर खुद हल्क होगन की वाइफ ने किया था। खैर, इसमें कौन गलत था कौन सही इसके बारे में तो हम नहीं जानते, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि स्कॉट स्टाइनर एक दिग्गज रेसलर थे। हमारे हिसाब से उन्हें WWE में दोबारा लाना चाहिए और इतना ही नहीं, उन्हें WWE हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया जाना चाहिए। स्कॉट स्टाइनर जैसे दिग्गज रेसलर के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताना न भूलें। स्कॉट स्टाइनर के लिए कम से कम 5000 लाइक तो बनते हैं। हमें उम्मीद है आप 5000 लाइक का एम पूरा जरूर करेंगे। जल्द मिलते हैं मिस्टीरियस बुक के एक नए रोचक अंक में एक नई मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।